नमस्कार, मैं साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं देश की राजनीति का क्या है हाल। 417 करोड़ संपत्ति सम कन्याकुमारी के कांग्रेस कैंडिडेट दूसरे चरण में सबसे अमीर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के उम्मीदवारों में तमिलनाडु की कन्याकुमारी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार एच वसंत कुमार सबसे अमीर है। अपने नामांकन में वसंत कुमार ने उनके पास 417 करोड़ की संपत्ति होने का हलफनामा दिया है। गौरतलब है कि दूसरे चरण में 12 राज्य व एक केंद्र शासित राज्य की 95 सीटों पर कुल 1629 उम्मीदवार मैदान में है। पश्चिम बंगाल में सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम के काफिले पर की गई फायरिंग। बतौर जानकारी, पश्चिम बंगाल के रायगंज से मौजूदा सांसद और सीपीएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम के काफिले पर इस्लामपुर इलाके में फायरिंग की गई और उनकी कार पर ईंटें फेंकी गई। सलीम का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने हथियारों के साथ उन पर हमला किया। हालांकि सलीम सुरक्षित है और उन्हें कोई चोटें नहीं आई है। याद रखिएगा कि आप न्याय के लिए वोट करें, मतदाताओं से राहुल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जब आप आज वोट करें तो याद रखिए कि आप न्याय के लिए वोट करें। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, मुझे भरोसा है जिन सीटों पर आज मतदान हो रहा है वहां लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे और अधिक से अधिक युवा। तो देश की राजनीति में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।